कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। बता दें कि अब सिचुएशन धीरे धीरे सामान्य हो रही है और आंकड़ों में भी गिरावट तेजी से हो रही है, लेकिन इसने हमें एक चीज जरूर सिखा दी है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को कितना मजबूत रखना है। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले लोग अपनी इम्यूनिटी मजबूत करना चाहते हैं। आपको बता दें कि आज हम आपको एक घरेलू नुस्खा बताएंगे कि जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बता दें कि जायफल से इम्यूनिटी बढ़ाने का एक पुराना नुस्खा है। ये गरम मसाला है जिसका उपयोग मिठाई का स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल पदार्थ पाया जाता है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। जायफल का सेवन करने से अनिद्रा जैसी परेशानियां भी दूर होती हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको कुछ जायफल का इस तरीके से इस्तेमाल करना है। 1 कप गर्म दूध, 1/2 चम्मच हनी, पीसी हुई इलायची और 2 चुटकी जायफल का पाउडर। इससे इम्यूनिटी ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी बल्कि आपको रात में नींद भी बेहतर आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।